इक्वेशन इन विच लेटर टर्म अपीयर ऑन बोथ साइड। अब ये देखो यहां पर 7x इधर भी है, यानी x की वैल्यू इधर भी है और x की वैल्यू इधर भी है। तो इस तरह की इक्वेशंस करने के लिए देखो क्या करा है इसमें, 7x प्लस 13 इक्वल टू 4x प्लस 43। अब ये समझने वाली बात है, क्या है यहां पर 7x, इधर क्या है 4x। ठीक है, अब हमें 4x को हटाना है क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें खाली x करना है, तो धीरे धीरे करके हम x को अकेला करेंगे। क्या करा इधर, 7x प्लस 13 इक्वल टू 4x प्लस 43। तो इधर भी 7x प्लस 13 में से 4 को माइनस कर दिया, 4x को सेपरेट कर दिया, और इधर से भी 4x को सेपरेट कर दिया, तो 4x से में से 4x जाएगा तो 0 बचेगा, और 7x और 4x मिल ये माइनस 4x, 7x माइनस 4x कितना हुआ ये 3x। तो अब ये दोनों मिलकर ये और ये देखो इधर, अब 7x माइनस 4x तो हो गए, सबट्रैक्ट का निशान है ना, माइनस का निशान है, इसलिए 7x माइनस 4x तो हो गया 3x और ये है 13। तो अब हमारे पास रहा 3x प्लस 13 इक्वल टू 43। अब ये 13 अकेला है, 13 को भी इधर लेके जाओ, तो जब 13 दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो ये 13 कैंसिल, अब 43 में से 13 माइनस करा तो 30, तो इधर रहा हमारे पास 3x इक्वल टू 30। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से दोनों को डिवाइड कर दिया, कुल मिला के हमें x अकेला छोड़ना है। ठीक है, अब ये देखो यहां क्या किया इन्होंने, 18 माइनस 5d इक्वल टू 3d माइनस 6। क्या करें यहां पर, इफ वी ट्राई टू ब्रिंग ऑल लेटर्स टर्म टू द लेफ्ट साइड, लेटर टर्म कौन सा है ये 5d और 3d, इन सबको हमने क्या करा लेफ्ट साइड में लेके आ गए, एक तरफ लिया है लेफ्ट की तरफ, इस तरफ लेके आ गए इक्वल के इस तरफ। फिर उसके बाद वी वुड हैव टू यूज नेगेटिव नंबर टू अवॉइड दिस, विल शिफ्ट लेटर टर्म टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। देखो अब दो काम यहां पर हमने एक साथ करे, जिसके साथ लेटर है वो सारे एक तरफ लेके आ गए, अब ये माइनस 5d और ये 3d, देखो क्या करा इन्होंने, ये 3d और ये 5d, इन दोनों को तो लिया हमने एक तरफ, और जिस पे निशान गोले का निशान नहीं लगाया उनको ले लिया हमने एक तरफ। तो जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो ये क्या कहलाता है, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो 3d माइनस 5d इधर आकर हो जाएगा प्लस 5d, ऐसे ही 18 ये माइनस 6 इधर आकर हो जाएगा प्लस 6। तो 18 और 6 तो कितना हो गया 24, 3d और 5d कितना हो गया 8d, और बीच में अपनी जगह इक्वल का निशान है। अब ये 8 और 24 अब इनको भी एक तरफ करना है क्योंकि d को हमें अकेला छोड़ना है ताकि हम d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो 8 और d यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ, वही रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 8। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, तो d की वैल्यू आ गई 3। अब ऐसे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, देखो अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एक्सरसाइज 7 है, क्या लिखा हुआ इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन, चेक योर आंसर्स, x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, ये लिया हमने। x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, ठीक है इक्वल कीजिएगा इक्वल, ये प्लस 5 है इधर आकर हो जाएगा माइनस 5, इधर हमारे पास पहले से ही 9 मौजूद है, अब इधर क्या बचा खाली x, ठीक है। तो अब अगले स्टेप के लिखेंगे हम, सच दैट x इक्वल टू 9 माइनस 5, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। अब ये उन्होंने कहा चेक योर आंसर, तो चेक योर आंसर के अंदर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे पहले, लेफ्ट साइड क्या है x प्लस 5, और x की जगह में क्या लिखना है 4, तो लिख देंगे 4
प्लस फाइव, फोर प्लस फाइव कितना है ये नाइन। अब ये क्या चीज़ है नाइन, नाइन क्या है हमारे पास राइट साइड, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू राइट साइड, राइट साइड ठीक है। अब इसी तरीके से देखो, अब आप इक्वेशन और करते हैं, अब ये वाला करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, फाइव एक्स प्लस टू इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व। ये देखो क्या है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, फाइव एक्स प्लस टू इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है। वो है ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन के अंदर एक्स वाले सारे एक तरफ लिया, इधर फाइव एक्स, ये यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो ये प्लस थ्री एक्स कहाँ हो जाएगा यहाँ पर, ये इधर आकर हो जाएगा माइनस थ्री एक्स। ऐसे ही प्लस ट्वेल्व, इधर कितना है यहाँ पर प्लस टू, इधर आकर हो जाएगा ये माइनस टू, ठीक है। अब फाइव इसके पहले निशान जरूर लगाना ये सच डेट का, तो फाइव एक्स में से थ्री एक्स माइनस करेंगे तो टू एक्स, इक्वल की जगह इक्वल, ट्वेल्व में से टू माइनस करेंगे तो टेन, फिर ये टू और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो टू इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो टेन से टेन में टू से डिवाइड कर देंगे, इधर आ जाएगा खाली अकेला एक्स, टू की टेबल बोलेंगे टू वन से टू और टू फाइव से टेन, तो इस हिसाब से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव। अब इसकी पीडीएफ आपको पहुंचा देंगे।